नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे अहंकार छोड़ो। आरएसएस में चल रही तनातनी के बीच एक विवादित बयान चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखी लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति के और लेकिन उनमें भी धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण वहीं पर रोक दी। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी और इसी के कारण ऐसे हालात 2024 में देखने को मिले हैं। इंद्रेश कुमार ने क्या कहा है सुन लेते हैं। पहले अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक इन्होंने नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुलम किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय मैं और कहूंगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूं। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। जिस समय कोई कर्जदार ना रहे, कोई रोगग्रस्त ना रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे, जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100-100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। तो सुन रहे थे आप इंद्रेश कुमार को, जिन्होंने एक तरह से अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और राम का समय भी बताया, अश्वमेध यज्ञ का भी जिक्र किया, तमाम बड़ी बातें कही इंद्रेश कुमार ने। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सब मिलकर भी नंबर वन नहीं बने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बातें कही, इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम बड़ी बातें कही, बीजेपी को लेकर खासतौर पर बड़ी बात कही और विपक्षी गठबंधन को लेकर के भी बड़ी बात कही। उनका कहना था कि सब मिलकर भी नंबर वन नहीं बन पाए, नंबर दो पर ही खड़े रह गए और इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में बीजेपी और उसकी सरकार पर कुछ ऐसी ही बातें बोली थी जिससे लोग चौंक गए थे। मोहन भागवत ऐसा बयान क्यों दे रहे थे, बड़ा सवाल खड़ा होता है और संघ और बीजेपी में सब ठीक है कि नहीं है, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर संघ और बीजेपी के बीच चल क्या रहा है।
मोहन भागवत ने ऐसा क्यों बोला ये समझने से पहले उन्होंने क्या बोला है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है और इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। भागवत के मुताबिक इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी, तमाम बड़ी बातें मोहन भागवत ने कही थी। और इसके बाद इंद्रेश कुमार की ये बड़ी बात, दो फाड़ होता नजर आ रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच, यूं कहा जा सकता है। और आरएसएस के मुताबिक, मोहन भागवत के मुताबिक, संसद में दो पक्ष जरूरी हैं, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्षों को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। सरकार को नसीहत देते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। भागवत ने इस दौरान ये भी कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही है और सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी भी होता है। बड़ी बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कही गई थी। अब चूंकि देखा भी जा रहा है कि इंद्रेश कुमार का अहंकारी वाला बयान दो फाड़ करती नजर आ रही है, दोनों के बीच जो तनातनी की स्थिति है आरएसएस और बीजेपी के बीच वो देखी जा सकती है साफ तौर पर। और हमारे साथ इसी खबर को लेकर के डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, मिन्हाज अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आनंद निशा सपा नेता हैं हमारे साथ और रणविजय सिंह संघ विचारक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रणविजय जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक और देखते हैं कि मोहन भागवत जिस तरह के बयान देते हैं, इसके बाद इंद्रेश कुमार का ऐसा बयान आ जाता है कि अहंकारी हो गई है। दोनों ही पक्षों को बोला उन्होंने, बीजेपी को भी बोला, इसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी बोला है। क्या कहें, इस बीजेपी और संघ के बीच यूं कहा जा सकता है कि दूरियां बढ़ने का एक संकेत भी जाहिर होता है। यह एक परिवार है और मोहन भागवत जी ने जो कहा वह गलत नहीं है और इंद्रेश जी ने भी जो कहा वह भी गलत नहीं है, लेकिन भाजपा और संघ अलग नहीं है। संघ हमारा परिवार है, भाजपा उसका एक परिवार का एक हिस्सा है और परिवार के बीच में कुछ अगर होता है तो वह बाहर की कोई बात नहीं है, ठीक है। और हमारे परिवार के मुखिया ने अगर कोई बात कही है तो जाहिर सी बात है कि परिवार के मुखिया ने कोई एक दिशा दी है, एक लाइन दी है जैसे हमें चलना चाहिए। उन्होंने कह लीजिए कि मार्ग निर्देशक सिद्धांत जैसा दिया है कि आगे क्या करना चाहिए, तो इसे लेकर के उनके बयान को कुछ इधर उधर दिखाने की या बताने की, कहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वह सत्य है, इंद्रेश जी ने जो कुछ कहा वह सत्य है, लेकिन यह परिवार के बीच का आंतरिक मामला है। जो कुछ भी होगा हम परिवार के बीच में बैठकर चर्चा करेंगे, जो कुछ भी चलेगा वह भी आप सबको पता चलेगा, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है, कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, आपस में कोई दूरी नहीं बढ़ गई है। एक परिवार जब बड़ा परिवार होता है उसमें तमाम किस्म के लोग होते हैं और बातें होती रहती हैं, बाहर के लोग उसका दूसरे रूप में ट्विस्ट करके अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई झगड़ा नहीं है। इसे झगड़े की तरह प्रस्तुत मत करिए, झगड़ा कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई आपस में मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। यहाँ से ये पूछा जा रहा है रणविजय जी कि जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है, इसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान आता है, दोनों के इस तरह के जो बयान आ रहे हैं क्या शो करते हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, किस बात का संकेत दे रहे हैं? परम पूज्य भागवत जी ने जो कहा वह एक दिशा निर्देश जैसा है, एक गाइडलाइन जैसा है कि वह हमारे परिवार के मुखिया है,
परिवार का मुखिया ही रास्ता दिखाता है। अगर कहीं किसी से कोई चूक हुई होगी, किसी से कोई गलती हुई होगी, तो परिवार का मुखिया होने के नाते उनका जो कर्तव्य बनता है उसका उन्होंने निर्वहन किया है। मुखिया ने यह बताया है कि हमें कैसे चलना है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो इसे और अन्य किसी संदर्भ में लेने की जरूरत नहीं है। लौटेंगे आपके पास मिन्हाज अहमद जी। जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी को लेकर ही नहीं इंद्रेश कुमार ने बोला है, बल्कि गठबंधन को लेकर के भी बड़ी बातें कही। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से मंचों से भाषण देते थे, जातिवाद धर्मवाद के नाम पर अलगाव बांटने का काम कर रहे थे, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा उन्होंने एक उनको संदेश दिया कि ठीक है प्रचार किया जाता है, एक दूसरे को पिछाड़ा जाता है, मगर इस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड की जनता देख रही थी कि एक प्रधानमंत्री जी किस तरीके से हिंदू मुसलमान का नाम लेकर एक संदेश दे रहे थे, ये बहुत ही गलत था। इसी बेस पर मोहन भागवत जी ने एक उनको सलाह दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रही सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यह सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सारे वर्ग के सारे धर्म के लोग रहते हैं। आप एक तरीके से ऐसा संदेश देना चाहते थे लोकसभा के चुनाव में और जनता ने उस संदेश को नकार दिया। बीजेपी जो बहुमत की सरकार चलाती थी वो बहुमत जनता ने उनको नहीं दिया। ये बीजेपी को सबक लेना चाहिए। आप जहां अयोध्या से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता है, इलाहाबाद से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता है, जहां जहां महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वहां से बीजेपी बुरी तरीके हार जाती है। अरे काशी में भी हार जाते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी 3 घंटा इनको पीछे रखा था, प्रधानमंत्री जी को 3 घंटे पीछे थे ये, और थोड़ा सा अगर अजय राय जी को और समय मिल जाता तो शायद प्रधानमंत्री जी वहां से भी, बनारस से भी चुनाव हार जाते। तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका जी अगर बनारस से चुनाव लड़ती तो कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से हार जाते प्रधानमंत्री जी। ये निश्चित है, अगर प्रियंका जी अगर बनारस से लड़ी होती तो आज शायद प्रधानमंत्री जी बनारस से हार। ठीक है मिन्हाज जी, लौटेंगे आपके पास। अविरल मलिक जी, जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है, या यूं कहें कि बयान जो सामने आया है इंद्रेश कुमार का, तो किस बात का अहंकार है बीजेपी में? जी देखिए, परम पूज्य मोहन भागवत जी से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मोहन भागवत जी हमारे मार्गदर्शक हैं, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं और अनेकों अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, इन्हें समझना चाहिए और जान लेना चाहिए छिंदवाड़ा में क्या स्थिति हुई कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की छिंदवाड़ा की स्थिति पर इन्हें चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ उस पर चर्चा करें, ये वाराणसी पर चर्चा कर रहे हैं, ये केवल एक सीट अयोध्या पर चर्चा करना चाहते हैं, इन्हें पूरा देश नजर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, इस पर चर्चा इन्हें करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हुआ, इस पर आखिर ये क्यों चर्चा नहीं करना चाहते हैं? जो इनका गढ़ कहा जाता था छिंदवाड़ा, उस पर ये कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। उसके साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वास्तव में आज के समय में अच्छे दिन आ चुके हैं। ये पानी पी पी कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसा करते थे, और आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयानों को कोट करते हुए घूम रहे हैं, मोहन भागवत जी के बयान को कोट करते हुए घूम रहे हैं। ये वास्तव में अच्छे दिन है, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। यही अच्छे दिन है वे जो इस संघ के ऊपर अजीबोगरीब आरोप लगाया करते थे, आज ये संघ के प्रशंसक बन चुके हैं, मोहन भागवत जी के प्रशंसक बन चुके हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी और संघ की दूरियों की, तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। कुछ लोग, कुछ मीडिया कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, मसाला उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, और एक क्लिप काट कर पूरी चर्चा की जा रही है, अगर दिखाना है। ठीक है, बात पूरी कर लेते जी। हम मोहन भागवत जी का मार्गदर्शन लेते हैं, इंद्रेश कुमार जी का मार्गदर्शन लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, इन्हें इस बात पर उत्तर देना चाहिए कि कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस पार्टी ट्रिपल डिजिट में नहीं आई, इस बात का इनके पास यदि कोई उत्तर है तो ये दे दें। बिल्कुल अविरल जी, और लेकिन सवाल कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जिस तरह के आरएसएस को इस बार ध्यान नहीं दिया गया, यू कहा जाए कि इस बार आरएसएस से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया गया, जिसका रिजल्ट देखने को मिला है। और बात कर रहे हैं एंकर छोड़ो, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और पीयूष त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर आनंद निषाद सपा नेता हैं। आनंद जी, जिस तरह से ये बयान आया, उसके पहले देखा गया था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो इस बार का चुनाव हुआ है वो ऐसा लग रहा था जो कोई एक तरह का युद्ध चल रहा हो, चुनाव को चुनाव के नजरिए से ना देख करके एक युद्ध के नजरिए से देखा, एक दूसरे पर खाने को टूट पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा कहना था। 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुई है वह बहुत ही धर्म युद्ध की स्थिति है और इसमें जनता ही जनार्दन है, जनता ने अपनी फैसला दे दिया। ये घबराए हुए हैं मोहन भागवत जी, और इंद्रेश तो उसका बच्चा है, ये रहने वाले इंदौर के आसपास के नागदा के रहने वाले हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये आरएसएस और भाजपा में दोनों चोली और दामन का संबंध है, वो तो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते थे, लेकिन इस देश के गरीब ने इनको अपने लतमर्दन कर दिया, इनकी औकात दिखा दिया कि जो 400 पार कर रहे थे 240 पे अटक गए, और वो भी 240 में 100 सीट इस देश के डीएम ने बेईमानी करके इनको जिता दिया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा के देखिए, अभी काउंटिंग रिकाउंटिंग के लिए फॉर्म भर दिया लेकिन रिजेक्ट कर दिया डीएम साहब ने, और उसको चिन्हित करने के लिए हमने अखिलेश जी को कह दिया कि 27 का समय आ रहा है, चिन्हित कीजिए ऐसे डीएम को जिन्होंने इस तरह से गुंडागर्दी किया है। यह इंद्रेश और ये मान भागवत दोनों एक आंख और मिचौली का खेल खेल रहे हैं, इस देश के संविधान को कुचलने का काम किया था, ये तो हार गए, जनता जनार्दन है, इनको पटक भी ऐसा दिया है कि इनकी नानी याद आ गई। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जितना कुकर्म किए हैं वो जेल जाने से बचने के लिए समझौता किया है, कहावत है कि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, नानी याद आ गई, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुप रहो भाई, तुम्हारी औकात नहीं है, जनता ने तुम्हारी औकात बता दिया। शब्दों की मर्यादा रखें आप, औकात क्या है आनंद जी, आप शब्दों की मर्यादा रखें, आप देखें कि कहां पर बैठे हैं इस समय। नहीं कर रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं। वंदना जी आप ध्यान रखिए इस बात को, ये देश के आम जनता जनार्दन भगवान है, और ये ले आए राम की नगरी हार गए, अब चित्रकूट हार गए, ये देख लीजिए इलाहाबाद हार गए, क्या क्या नहीं हार गए, ये जनता ने इनको ऐसी पटकनी दिया, जो राम का व्यापार कर रहे थे उनकी औकात दिखा दिया। अब ये लोग जो है, एक कहावत है कि एक दो मदारी एक बंदर, तो दो मदारी एक नायडू जी है और एक नीतीश जी है, ये दो मदारी बन गया है आनंद जी। ठीक है आनंद जी,
ठीक है, शब्दों की मर्यादा आप रखें, क्योंकि आप कहां बैठे इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये आपका घर नहीं है। पीयूष त्रिपाठी जी, जिस तरह से बात हो रही है इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर के, उन्होंने कहा कि अहंकार छोड़ो, ये एक पीक पॉइंट है, पीक शब्द है, बीजेपी को लेकर के भी बोला और गठबंधन को लेकर के भी बोला है, राम राज्य को लेकर के भी बोला है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी इससे पहले नागपुर से बयान आया था। और क्या लगता है आप इस बयानों को, जो ये बयान चल रहे हैं दोनों के बीच और बीजेपी और आरएसएस के बीच, किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कि दोनों के बीच दो फाड़ की स्थिति बनती नजर आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए पीयूष जी। पीयूष जी आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। वंदना जी, संघ और भाजपा के बीच में विचारों का आदान प्रदान और एक तरह से डायरेक्शन निर्देशन हमेशा से होता चला आ रहा है। जब से भाजपा बनी, वो संघ की कोख से ही निकली हुई एक पार्टी है। अब फर्क सिर्फ इतना आया है कि इस टेक्निकल जमाने में आरएसएस ने दो बातें सार्वजनिक मंच पर कही, बस फर्क ये आया। बहस का मुद्दा या विचार विमर्श का मुद्दा सिर्फ इसलिए बना कि इंद्रेश जी ने कल बात कही, उन्होंने गलत कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने भाजपा को भी कहा कि अहंकार आ गया था, और ये बात सच है। कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन ये बात सच है। वो अहंकार कार्यकर्ता के लेवल पर भी था, नेता के लेवल पर भी था, और भाजपा के चुनाव हारने की जो जो वजह कि अहंकार था, इसको कोई माने अथवा ना माने। ठीक है पीयूष, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे कोची एयरपोर्ट। एक बात और बता दूं, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे सीधा कोची चलते हैं, जहां पर विदेश राज कीर्ति वर्धन सिंह क्या कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। Action that he took in this regard, and we have sent there immediately. He took a meeting of us and immediately dispatched us, and here the authorities, the Kuwaiti authorities, were in full cooperation. We spoke to various ministers, and I'm happy to say that His Highness has taken personal, His Highness of Kuwait, he has taken personal interest in this matter. He has given all instructions that these, that every speedy action should be taken. In fact, they also offered us their plane to transport the mortal remains. But since our Air Force plane was coming, so he politely declined. They were assured that all the insurance money will be given as soon as possible. And His Highness, from his personal, he has given a sum of, I believe, rupees $15,000 to each victim, which he said they'll be giving. Okay, sir. Thank you. Thank you. तो सुन रहे थे आप अभी कीर्ति वर्धन सिंह को, जिन्होंने कहा कि कुवैत में जो आग से 45 भारतीय मारे गए, उनके पार्थिव शरीर को कोची एयरपोर्ट लाया गया है, और सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ये कोची एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 45 भारतीयों की आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी, और उनके इस शरीर को, पार्थिव शरीर को कोची एयरपोर्ट लाया गया है। और अहंकार छोड़ो पर आगे बढ़ते हैं। पीयूष त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े थे। पीयूष जी, जो आप बात कह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। मैं के न्यूज अपनी स्वस्थ विचार विमर्श के लिए जाना जाता है, बिल्कुल, और शालीनता के लिए भी जाना जाता है। उन चैनल की तरह नहीं है जहाँ पे बहुत अब शब्दों का प्रयोग किया जाए, वर्जित शब्दों का प्रयोग किया जाए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, बिल्कुल सर, कि बहुत ही आराम से, इत्मीनान से के न्यूज की भी मर्यादा बनाए रखें। मैं ये कह रहा था कि आरएसएस हमेशा से अपने आनुषंगिक संगठनों और राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त शाखाओं को हमेशा से हिदायत देता रहा है, मार्गदर्शन करता रहा है। बिल्कुल सही बात कही है इंद्रेश जी ने और मोहन भागवत जी ने। अंदर क्या चल रहा है ये बात किसी को नहीं मालूम है। मोहन भागवत जी गोरखपुर में है, संघ का नियमित कार्यक्रम अपना कर रहे हैं, और यही बातें वो कह भी रहे हैं, वो सबके लिए कह रहे हैं। इंद्रेश जी का जो बयान है वंदना जी,
वो ये है कि जिन्होंने अहंकार किया वो भी थम गए, और जिन्होंने राम को नहीं माना उनकी भी ये दशा हुई। इसमें गलत क्या है? वो तो हमेशा आरएसएस भाजपा को समझाता चला आया, इतिहास है उसका। अब दुनिया भर की बात, आपका टॉपिक जो है मैं चाहता हूं कि उस पर रहा जाए। जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया, वो तो जनता की समझदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो वोटर का सम्मान कर रहे हैं। ये कह रहा हूं मैं, कौन कैसे आ रहा, कौन कैसे क्या हुआ, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूं नहीं, मैं तो कह रहा हूं आरएसएस का यही काम ही है, उन्होंने अपना काम किया है। इंद्रेश जी जो मुस्लिम बीट है संघ की, उसके वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो मुस्लिम्स के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं और मुस्लिम्स उनसे इंटरेक्टेड हैं, वो आते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, अहंकार आ गया था, इस पर उन्होंने हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि आप भविष्य में सत्ता, भाई सत्ता पाई का हिम्मत नहीं कह दिया गया है, काई माने कोई भी, वो हम आप भी हो सकते हैं, जब सत्ता पर होंगे तो मद से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल पियूष जी, अविरल जी, जिस तरह से देखा गया कि इंद्रेश कुमार का जो बयान आया उसमें देखा गया कि पहले तो मुस्लिम का जो मुस्लिम वर्ग थे उनके वोट का बीजेपी को ना के बराबर मिला लोकसभा चुनाव में, देखा गया साफ तौर पर पे। और इससे पहले इंद्रेश कुमार चूंकि बीजेपी को वोट दिलाने का हमेशा से ही देखा गया है कि प्रयास करते रहे, लेकिन इस बार ये भी देखा गया कि उनको इग्नोर किया गया, ऐसी भी खबर निकल कर सामने आई। तो क्या लगता है कि परिणाम कुछ इस तरह से आए हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे, और जैसे उम्मीद आप कर रहे थे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए आंकड़े? देखिए, इन आरोपों में कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूं, एक स्वयंसेवक के नाते हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और मोहन भागवत जी का निश्चित रूप से हम मार्गदर्शन हर विषय पर प्राप्त करते हैं, इंद्रेश कुमार जी का हम हर विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अब ये कुछ लोग हैं जो कांग्रेसी हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, ये इन मुद्दों को बार बार उछाल रहे हैं। और जहां तक बात है, ये आज से पहले मोहन भागवत जी के बयान से पहले संघ को कोसा करते थे, अब इन्हें संघ प्रेम मड़ गया है, ये संघ के विषय में जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं इन्हें खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बातों को जो अनुकूल शब्द है उसी का प्रयोग करें। नहीं नहीं देखिये, हम लोग शब्दों की मर्यादा के आधार पर ही बोलते हैं, और जहां तक बात है आनंद जी की, तो आनंद जी ने जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया, चाहे वो मेरे लिए किया हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए किया हो, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है कि इस प्रकार के शब्दों का हम लोग उत्तर दें। वो जनता उत्तर दे देती है, जिस प्रकार से इन्हें मुंहतोड़ जवाब जनता के द्वारा दिया गया है, वोट की चोट करके दिया गया है, तो वोट की चोट का जो जवाब होता है वो निश्चित रूप से मिल गया। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि क्या बीजेपी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि जरूरी भी नहीं समझा कि एक बार आरएसएस से भी पूछ लिया जाए कि आखिर चल क्या रहा है, क्या मामला है? पर हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, तो जनता ने जिस प्रकार से तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाई है, उस बात को भी देखना बेहद आवश्यक है। जिस प्रकार से हमने विकास किया पिछले 10 सालों तक लगातार, उसी तरीके से आंकड़े आपको दिखा दिए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यही कह रहे थे कि इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया है जैसे कि कोई युद्ध चल रहा हो। नेता प्रतिपक्ष कहने के बजाय विपक्ष को एक अलग से ही नाम दिया जा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा विरोधी दल, विरोधी दल कहकर बुलाया जा रहा था, ऐसा भी कहना है मोहन भागवत का कि विपक्ष को विपक्ष ना कहकर के विरोधी दल बोला जा रहा था। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आज के समय में बोल रहे हैं, जिस प्रकार से नड्डा जी के एक बयान को एक तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मोहन भागवत जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि संघ और भाजपा में फूट पड़ गई है, तो ये इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए, इस प्रकार की कोई
इन्हें चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जनता सब समझ रही है। ठीक है, लौटेंगे। रणविजय सिंह जी, रणविजय जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक परिवार है और परिवार के बीच का मामला है, परिवार में आंतरिक मामले होते हैं और आंतरिक मामला है, फिर ये बाहरी मामला कैसे हो गया? बाहरी मामला दरअसल हुआ नहीं, क्योंकि तमाम बातें ऐसी होती जो चर्चा होती है, कुछ बातें अंदर से कही जाती है और कुछ बातें बाहर आकर भी कही जाती हैं। हर शब्द के अपने मायने हैं, हर शब्द के अपने अर्थ हैं, हर शब्द के अपने अपने संदेश हैं। तो परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जिसको जो संदेश देना था वह संदेश उसको दे दिया और जिसको देना था उसके पास पहुंच गया। वह अपने हिसाब से परिवार के बीच में बैठ करके, मिल करके, चर्चा करके सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। बिल्कुल रणविजय जी, परिवार के बीच में रह करके मामले सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन जब मामले सामने आ जाते हैं तो सवाल भी उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बीते चुनाव में भी 2014 और 2019 में भी देखा गया कि दोनों की आपस में साठगांठ देखी गई और मिलकर चुनाव भी लड़ा गया, नतीजा भी कुछ और था, लेकिन इस बार के नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं, तो सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ संघ और संगठन में चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव युद्ध की तरह लड़ा गया है और जो विपक्ष है उसको विरोधी दल कहा गया। इसके साथ ही साथ विपक्ष को लेकर के भी उन्होंने तमाम सवाल किए। इंद्रेश कुमार का जिस तरह से बयान आया, ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता नजर आ रहा है कि आखिर बीजेपी के बीच चल क्या रहा है। अहंकार छोड़ो में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।